हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों ने एलोवेरा का स्किन के लिए, बालों के लिए और हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत सारे फायदों के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या दोस्तों आप जानते हैं कि एलोवेरा का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो इसका हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, एलोवेरा के बहुत सारे गुण होते हैं। साथ ही दोस्तों, एलोवेरा का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को दूर करने के साथ साथ त्वचा को निखार लाने में, त्वचा को खूबसूरत बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ही एलोवेरा का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल एलोवेरा का शुद्ध जेल का इस्तेमाल आपके स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से लोग मुहासे, काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि चेहरे पर अगर मुहासे हैं, ड्राई स्किन हो गई है, काफ़ी दाग धब्बे हैं या फिर किसी तरह के स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, तो उस पर क्या करते हैं, कोई भी वीडियो देख लिया और बस उस पर रगड़ने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसे स्किन पर लगाए रखते हैं तो ये स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। अब वो दोस्तों कैसे, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम स्किन से जुड़ी हुई किसी समस्या को दूर करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आप सबसे पहले एलोवेरा की लीफ को काटती हैं, तो उसमें से आपने देखा होगा कि पीले रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है जो कि पूरी तरह से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उसे हटाए बगैर ही अपने फेस पर एलोवेरा को रब करने लगते हैं, रगड़ने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दरअसल दोस्तों, ये जो पीला पदार्थ होता है, ये लेटेक्स होता है, ये एक जहरीला पदार्थ होता है और इसके इस्तेमाल से आपको एक्जिमा हो सकती है, चेहरे पर रैशेज हो सकते हैं और कई तरह की स्किन समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए कभी भी अगर आप अपने मुहासे, ड्राई स्किन, दाग धब्बे, स्ट्रेच मार्क, कहीं पर भी एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही हैं तो इस्तेमाल करने से पहले आप इसका जो पीला भाग है उसको एक बार अच्छे से निकल जाने दीजिए और उसके बाद अपने एलोवेरा को अच्छे से आप वॉश कर लीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से इसका जो जहरीलापन है वो निकल जाएगा और उसके बाद आपका एलोवेरा बिल्कुल इस्तेमाल करने के लायक हो जाएगा। अगर आप इस पीले भाग को निकालने के बाद इस्तेमाल करती हैं तो आपको आपकी त्वचा पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग एलोवेरा के जूस का भी इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, एलोवेरा जूस हो या कोई भी चीज़ हो, उसका अगर हम लिमिट से ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो उसका हमारी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसी तरह से एलोवेरा के जूस का भी हमें लिमिट में सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, तभी इसका हमें पूरा पूरा फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि दोस्तों एलोवेरा में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा को कम करते हैं, जो दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं और बेहोशी लाने या फिर कमज़ोरी जैसा महसूस कराता है। वहीं अगर किसी कोई जो प्रेग्नेंट महिला है तो उनको एलोवेरा का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे मिसकैरेज का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो भी लोग 12 या 15 साल तक के बच्चे हैं उनको भी एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार एलोवेरा लेने से बच्चों में जन्मजात रोग भी देखने को मिलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर भी एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप एलोवेरा का अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो पीला तरल पदार्थ होता है उसको निकालकर अच्छे से वॉश करने के बाद ही आप एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए। तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको इसके ढेर सारे फायदे होंगे। इसके अलावा जब भी आप अपने चेहरे पर एलोवेरा का इस्तेमाल कर रही है तो कम से कम 20 मिनट तक लगाइए। आपको ये पूरे दिन भर के लिए या फिर ज़्यादा टाइम तक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट तक लगाने से ही आप देखेंगे कि आपको इसके ढेरों सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो है वज़न कम करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी हद तक वज़न घटाने में ये काफ़ी मदद भी करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप एलोवेरा जेल का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करती हैं तो ये आपको खतरे में डाल सकता है। दोस्तों, एलोवेरा का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एलोवेरा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, बल्कि अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपको नुकसान पहुँचाता है। अगर आप इसका सीमित और लिमिट मात्रा में सेवन करते हैं तो इससे आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसका सेवन करते रहने से लगातार जो है काफ़ी आप टाइम तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत टाइम तक, तो इसकी वजह से शरीर में कमज़ोरी आने लगती है, दिल की धड़कन जो है अनियमित हो जाती है और पोटेशियम जो है शरीर में काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा
ब्लड प्रेशर तक इससे अनकंट्रोल हो जाता है और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसानदायक है। तो अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि इसके ज़्यादा मात्रा में आप सेवन करती हैं तो इससे क्या नुकसान पहुँचता है। अब आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि हमको इसका कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों एलोवेरा के जूस का इस्तेमाल हमेशा आप कम से कम 2 चम्मचों के बराबर इसके जूस का सेवन कीजिए और वो भी आप इसको 1 गिलास पानी में ऐड करके फिर आप इसका सेवन कीजिए। तो इससे आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो आप इसका लगातार सेवन मत। तो दोस्तों एलोवेरा जूस का इस्तेमाल हमेशा पानी के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर ही करना चाहिए। तो आप कम से कम 20 ml के बराबर, कम से कम आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच के बराबर ही एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कीजिए। इससे ज़्यादा आप जूस का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा जूस का इस्तेमाल एक दिन में कर लेती हैं तो ये आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप इसका सीमित मात्रा में ही सेवन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका सीमित मात्रा में सेवन करती हैं तो ये आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनाए रखेगा, मोटापे को कंट्रोल करेगा और आपको ढेरों सारी पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से दूर रखेगा। इसके अलावा दोस्तों ये तो मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।